एग्रि विकास 2022 नाम जो कार्यक्रम आज आयोजन होता अंतिम चरण में आसी पहुंची जाए। अर्गस न्यूज़ रो प्रथम वार्षिक उत्सवर उद्यापनी समारोह वार्षिक उत्सव में स्वतंत्र कार्यक्रम अर्गस एग्री विकास कनक्लेव 2022 शेष भाग में केन्द्र मत्स्य और पशुपालन मंत्री संजीव बाल्यान अभिभाषण रखिथिले। सबसे पहले अर्गस न्यूज को बधाई पहली वर्षगांठ की। कनक्लेव आयोजन नहीं अर्गस परिवार को बधाई जणाइथिले। एही अवसर में केन्द्रमंत्री कहिछंती इथानॉल पॉलिसी रे परिवर्तन आसी 8 वर्ष मध्यरे 2% रु 12% पेट्रोल ले इथानॉल मिक्स बढ़ी। पेट्रोलियम मंत्री थिबा बेले धर्मेन्द्र प्रधान एही प्रयास करथिले। धर्मेन्द्र जी को उत्तम पदक्षेप जोगु एपरी बड़ परिवर्तन आसी परिछि बोली से कहिछंती। एथिसह दूरदृष्टि जोगु एपरी सफलता मिलिथिबारु धर्मेन्द्र को प्रशंसा करिछंती। तो ये परिवर्तन जो इथानॉल पॉलिसी में हुआ ये सोच प्रधानमंत्री जी की थी, उनका वो था, लेकिन इस पर काम किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और आज मैं तो चाहूंगा मेरे क्षेत्र में तो कम से कम बहुत बड़ी समस्या का समाधान है जो इथेनॉल हम चीनी के साथ साथ इथेनॉल बनाते हैं। उत्तर प्रदेश केंद्र मंत्री आहुरी कहिछंती गहम चाउल मकारु इथेनॉल बाहरी परिबो चासी उपकृत हेबे। चासी को पर्याप्त आय मिलिबो आउ विदेशी कंपनी को टंका जीवनी। ओडिशा रे बासुमती चाउल अमल को गुरुत्व दिया जिबा उचित। मत्स्य चासी को विभिन्न सुविधा जोगाई देवा को राज्य सरकार को निवेदन करिछंती। ओडिशा रे मत्स्य चाष अधिक हले व्यापक निजुक्ति सृष्टि होई परियो बोली कहिछंती। मत्स्य चासी को अग्राधिकार देले सेमानको जीविका सुदृढ़ होई परिबो। ऐसा सेक्टर फिशरी है जिसने कंटीन्यूअस पिछले 8 साल में 7-10% की ग्रोथ हमारी रही है, जो कि किसी सेक्टर की ग्रोथ नहीं है। एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ 2% है मात्र, मे बी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होगी 5-6%, लेकिन फिशरी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ग्रोथ रेट 7-10% है लगातार 2014 से। केंद्र मत्स्य और पशुपालन मंत्री संजीव बाल्यान दुग्ध चाषी को मध्य समान सुविधा जोगाई देवा को अपील करिछंती। दुग्ध उत्पादन दिगरे चाषी को प्रोत्साहित कले सेमानको आय बढ़िबो। एनिमल वैक्सीनेशन क्षेत्र रे विपुल अर्थ खर्च करा जाउछि। कृषकको उन्नति हेले देशर उन्नति हेबो बोली कहिछन्ति संजीव बाल्या। एहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आह्वान कहिले केंद्र मंत्री। अवेलेबिलिटी की बात करेंगे पूरे कंट्री में तो 427 ग्राम है पर कैपिटा। उस 427 ग्राम के मुकाबले में उड़ीसा में मात्र 143 ग्राम मिल्क की अवेलेबिलिटी पर ह्यूमन बीइंग है। 143 आप समझ सकते हैं कि हम नेशनल एवरेज से भी 1/3 पे आज उड़ीसा खड़ा हुआ है मिल्क अवेलेबिलिटी। इस देश के किसान की मेहनत है जो कोरोना में भी अपना काम करता रहा, इस देश के विकास का रास्ता और इस देश की खुश चौधरी चरण सिंह कहते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और किसानों से होकर गुजरता है। ओडिशा रा लोकप्रिय न्यूज चैनल अर्गस रो उद्यापनी समारोह रे खोर्धा रा जणाशुणा मत्स्यचासी पद्मश्री बटकृष्ण साहू को संबर्धित करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे केंद्र मत्स्य और पशुपालन मंत्री संजीव बाल्यान, गेस्ट स्पीकर भाबे पद्मश्री बटकृष्ण साहू, आईसीएआर निर्देशक डॉक्टर अजित साहनी प्रमुख जोग देथिले। अर्गस न्यूज रो एडिटर इन चीफ संजय जेना स्वागत भाषण देथुआ बेले सीईओ प्रकाश चंद्र साहू मोमेंटस प्रदान करथिले। कार्यक्रम परिचालना करबा सह वोट ऑफ थैंक्स देथिले उपस्थापक शक्ति साई मिश्र। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।